हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय दिस वीडियो लेक्चर द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं इस टॉपिक में हम लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे लाइसोसोम्स की खोज डी ड्यूए और उसके सहकर्मियों ने 1955 में की थी इन्होंने कोशिका में सूक्ष्म कणों को खोजा था जिनके समूह को इन्होंने लाइसोसोम कहा था ये कोशिका के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की क्रिया का स्थान होते हैं लाइसोसोम्स को सर्वप्रथम यकृत कोशिकाओं में देखा गया था अधिकांश जंतु एवं कुछ पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं वास्तव में ये उन कोशिकाओं में अधिकता से पाए जाते हैं जो एंजाइमेटिक क्रियाओं में लीन रहती है उदाहरण के लिए यकृत कोशिकाएं, अग्नाशय वर्क एवं स्प्लीन की कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्पष्ट रूप से लाइसोसोम्स का अभाव होता है लाइसोसोम्स का आकार देखें तो ये सामान्यतः जीरो पॉइंट टू से ज़ीरो पॉइंट एट माइक्रोन तक हो सकता है परंतु कुछ कोशिकाओं जैसे कि स्तनधारियों की, की वर्क कोशिकाओं में इनका आकार इनसे बड़ा भी होता है अधिकांश लाइसोसोम्स की आकृति गोलाकार अथवा तस्त्रीनुमा होती है परंतु कभी इन्हें अनियमित आकार के रूप में भी देखा जा सकता है लाइसोसोम छोटे थैलेनुमा संरचना होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं वे एक जीवित कला से भी घिरे होते हैं जो एक परत की बनी होती है तथा लाइपोप्रोटीन उसके आधारभूत रसायन होते हैं रॉबर्टसन के अनुसार इसकी रासायनिक संरचना जीवकला की इकाई कला के समान ही दो आणविक परतों की बनी होती है लाइसोसोम्स जो हैं वो मुख्यतः अंतरा कोशिकीय पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि इनमें राइबोसोमिक क्रिया के द्वारा बने हुए एंजाइम एकत्र रहते हैं और ये खाद्य पदार्थों के जल अपगठन अर्थात हाइड्रोलाइसिस में भाग लेते हैं यहाँ खाद्य पदार्थ कोशिका द्वारा अंतग्रहित किए जाते हैं एंड फूड वैक्यूल्स अर्थात खाद्य धानिका तथा लाइसोसोम्स की कलाएं संयोग करके एक बड़ी वैक्यूल बनाती है और इसी वैक्यूल में लाइसोसोम्स के एंजाइम बाह्य पदार्थ का विघटन करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की फेगोसाइटिक एक्टिविटी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सामान्य परिस्थितियों में लाइसोसोम्स की कला स्थिर होती है यह लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बांधे रखती है जिससे कि ये कोशिका द्रव्य में निर्मुक्त नहीं होते लाइसोसोम्स में पोलिमोरफिज्म पाई जाती है अर्थात बहुरूपता पाई जाती है कोशिका के अंदर चार प्रकार के लाइसोसोम पहचाने जा चुके हैं जिनमें जिन्हें मुख्यतया दो वर्गों में विभाजित किया गया है प्राथमिक अथवा मूल लाइसोसोम तथा द्वितीयक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम है इन्हें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स अर्थात संग्रह कण भी कहा जाता है और ये छोटे कण हैं जिनके भीतर एंजाइम्स अंतर्निहित होते हैं इनके एंजाइम घटक राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक जाल में संग्रहित होते हैं और वहाँ से यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और झिल्लीबद्ध होकर लाइसोसोम्स में आ जाते हैं द्वितीयक लाइसोसोम्स जो हैं उन्हें हेटेरोफेगोसोम्स अथवा पाचक रस धानियाँ भी कहते हैं इनमें अंतर्ग्रहण किए गए पदार्थ एंजाइम्स झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहते हैं और इन पदार्थों का यहाँ जल अपघटन होता है ये मूलतया प्राथमिक लाइसोसोम्स के द्वारा भोजन को अंत्यग्रहण करने के कारण बनते हैं और इनमें भोजन का धीरे धीरे एंजाइम्स की क्रियाओं के फलस्वरूप पाचन हो जाता है रेसिड्युअल बॉडी अर्थात अवशिष्ट काय द्वितीय लाइसोसोम्स में यदि भोजन का पूर्णतया पाचन नहीं होता है तो उनमें कुछ बचा हुआ पदार्थ अवशिष्ट रूप में रह जाता है इन्हें ही रेसिडुअल बॉडी या अवशिष्ट काय कहते हैं स्वभक्षी धानिकाएँ अथवा ऑटोफेजिक वेक्यूल्स इन्हें साइटोलाइसोसोम अथवा ऑटोफेगोसोम्स भी कहा जाता है इस प्रकार के लाइसोसोम्स प्राय विशेष प्रकार की शरीर की क्रियात्मक दुरावस्था अर्थात फिजियोलॉजिकल सिंड्रोम की उपस्थ के दौरान ही बनते हैं इस प्रकार के लाइसोसोम में स्वयं की ही कोशिकाओं के अवयव जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और अंतप्रद्रवीय जालिका के टुकड़े होते हैं जिनका कि पाचन होता है जब भोजन की कमी के दौरान यकृत कोशिकाओं में बनी स्वभक्षी रस धानियाँ इसका एग्जाम्पल हैं इन लाइसोसोम्स के द्वारा कोशिका स्वयं ही अपने पदार्थ का भक्षण करती है और यह क्रिया ओटोफेजी कहलाती है और इसी कारण इन्हें कोशिका के आत्मघाती थैले अर्थात सुसाइडल बैग्स के रूप में भी जाना जाता है लाइसोसोम्स की रासायनिक प्रकृति देखें तो लाइसोसोम में सामान्यतया जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जैविक अणुओं को छोटे अणुओं में अपघटित कर देते हैं अभी तक लगभग पचास से अधिक विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं ये एंजाइम्स जो है वो अम्लीय माध्यम पी एच चार से पाँच में क्रिया करते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम को कई समूहों में विभाजित किया गया है मुख्यतः छः समूहों में विभाजित किया गया है जो कि न्यूक्लिएज प्रोटीज लाइपेजेज फोस्पेटेज ग्लाइकोसाइटेज एटसेट्रा कहलाते हैं लाइसोसोम्स के कार्य देखें तो इनका प्रथम कार्य है कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े बाह्य कोशिकीय कणों का पाचन करना कोशिका कला द्वारा भोजन फेगोसाइटोसिस अथवा एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ये प्राथमिक लाइसोसोम्स की ओर स्थानांतरित होकर उनके साथ समेकित हो जाती हैं जिससे लाइसोसोम्स के एंजाइम खाद्य अणुओं के संपर्क में आकर उनका पाचन करते हैं यह जल अपघटित उत्पाद लाइसोसोम्स के बाहर विसरित हो जाते हैं और लाइसोसोम्स के शेष बचे अवशेष को रेसिडुअल बॉडी कहते हैं दूसरा कार्य है अंतर कोशिकीय कणों का पाचन अथवा स्वतः भक्षण या ओटोफेजी तीसरा है ओटोडाइजेशन या कोशिका का, का स्वपाचन और चौथा है कोशिका के बाहर स्थित पदार्थों का जो कोशिका के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है इस क्रिया में लाइसोसोम कोशिका कला की ओर स्थानांतरित होकर बाहर की ओर फट जाते हैं जिसके फलस्वरूप उसके एंजाइम कोशिका कला के बाहर निक्षेपित वस्तुओं का पाचन करते हैं कोशिका में लाइसोसोम्स के सदृश्य अन्य संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोबोडीज अर्थात सूक्ष्मकाय कहा जाता है सर्वप्रथम जे रोडिन ने इनका वर्णन किया था इनकी संरचना एवं कार्यों के अनुसार इन्हें निम्न प्रारूपों में बांटा गया है परोक्सीसोम्स स्फेरोसोम्स तथा ग्लाइक्सीसोम्स परोक्सीसोम्स के बारे में डी ड्यूएनेसन 1969 में परोक्सीसोम्स शब्द इस्तेमाल किया था इन सूक्ष्म कायों में परोक्सीडेज एवं कैटालेजेज नामक एंजाइम बहुतायात से पाए जाते हैं ये भी एकल झिल्ली द्वारा आस्थिर होते हैं एवं कर्णरूपी रचनाएं इनमें पाई जाती हैं परोक्सीसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स एनएडीएच ग्लाई रिडक्टेज यूरिक एसिड ऑक्सीडेज डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज इत्यादि इसमें पाए जाते हैं परोक्सीसोम्स का संबंध प्रकाश की श्वसन क्रिया अर्थात फोटो की क्रिया से भी है प्रकाश प्रकाशवसन की क्रिया जो कि पौधों में पाई जाती है उसमें परोक्सीसोम्स सक्रिय रूप से भाग लेते हैं इस क्रिया में माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के साथ परोक्सीसोम्स सक्रिय रूप से भाग लेते हैं अगली संरचना है स्फेरोसोम्स पादपों में लाइसोसोम्स के सदृश्य दूसरी संरचना भी पाई जाती है जिनमें जल अपघटनकारी एंजाइम तो होते ही हैं साथ ही ऐसी बहुत सी संरचनाएँ भी होती हैं जिनमें अट्ठानवे परसेंट तक लिपिड भी पाए जाते हैं इस प्रकार की वैक्यूल्स को स्फेरोसोम्स कहते हैं और ये एकल कला से घिरी हुई रहती हैं इनका वर्णन सर्वप्रथम पर्नर ने 1953 फिफ्टी थ्री में किया था लाइसोसोम्स की भांति इनमें भी फोस्पेटेज इस्टरेज राइबो और हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं परंतु स्फेरोसोम्स जो मुख्यतः है वशीय प्रकृति के होते हैं इन माइक्रोबॉडीज़ का मुख्य कार्य वसा को संगठित स्थानांतरित और संश्लेषित करना होता है तीसरी माइक्रोबॉडीज जो हैं लाइसोसोम्स जैसी संरचना ग्लाइऑक्सीसोम्स ये पादपों की एंडोस्पर्म कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये परोक्सीसोम्स की भांति ही होते हैं परंतु इनमें परोक्सीसोमल एंजाइम्स के अतिरिक्त ग्लाइगिलेट्स साइकिल के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इनका आविष्कार बीवर्स ने 1961 में किया था यह ईस्ट तथा न्यूरोस्पोरा जैसे कवकों की कोशिकाओं में और पौधों के वसा से भरपूर बीजों में पाए जाते हैं ये लगभग परोक्सीसोम जैसे ही होते हैं परंतु इनमें पाए जाने वाले एंजाइम परोक्सीसोम से अलग प्रकार के होते हैं ओके थैंक्स स्टूडेंट्स